श्री गुरु तारण करण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित 14 ग्रंथों की वर्षाकालीन वांछना के क्रम में श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ का वांछन क्रम चल रहा है। उपदेश मात्र कहने सुनने का नाम नहीं है। किसी ने कहा वो उपदेश हुआ और हमने सुन लिया वो उपदेश हुआ, इतना भर उपदेश नहीं है। उपदेश बहुत गहरे में छिपा है। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, उपदेश दृष्टि प्रवेश मुक्ति विलास। उपदेश का अर्थ है दृष्टि को अपने सत स्वरूप में लगाओ, अपने स्वभाव में प्रवेश करो और मुक्ति में विलास हो। यही वास्तव में सच्चा उपदेश है। भगवान की वाणी का सार भी यही है। कमलवती सी की दूसरी गाथा में गुरुदेव ने सबसे पहले लिखा था, जिन वैनम सद्दहनम, जिनेन्द्र के वचनों पर श्रद्धान करो। ये श्रद्धान ही वास्तव में उपदेश है, उपदेश का सार है। इसी ग्रंथ की कारिका में गुरुदेव ने एक सूत्र लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश रूप मणिरत्न को कोई विरले जीव विस्तार कर पाते हैं। वे पुरुष जो पक्षी की तरह, एक पक्षी रत्न को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है, ऐसे ही वे बिरले पुरुष जो जिनोपदेश रूप मणि रत्न का विस्तार करते हैं, वे जिन वचन रूप मणि रत्न को कर्ण रूपी चोंच से ग्रहण करके अपने अंतर में उतर जाते हैं, या कि स्वानुभूति के निर्मल आकाश में उड़ जाते हैं। यही वास्तव में उपदेश सुनने का अभिप्राय है। इस उपदेश की सार्थकता के लिए इन प्रारंभिक गाथाओं में गुरुदेव ने सम्यक दृष्टि ज्ञानी की अक्षर स्वरूप की साधना और 5 ज्ञान के 52 अक्षर, जिनके माध्यम से पंच ज्ञान की शुद्धि का मार्ग स्पष्ट किया है। पिछली गाथाओं में हम लोगों ने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से संबंधित शुद्धि का विधान इन गाथाओं में देखा था। मति ज्ञान शुद्ध होता है कब? जब अपने अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान में ही शुद्ध स्वरूप का आश्रय हो। और श्रुति ज्ञान की निर्मलता होती है अपने सिद्ध स्वरूप के आश्रय से। श्रुत ज्ञान में सिद्ध स्वरूप रहे और मति ज्ञान में केवल ज्ञान स्वरूप रहे, तभी वास्तव में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान निर्मल कहे जाते हैं। जब तक सम्यक ज्ञान की शुद्धि नहीं होती, तब तक जीव विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्पों में, राग में, मोह में, प्रपंचों में उलझा रहता है। दुनिया से ऊपर उठने के लिए सम्यक ज्ञान शुद्ध होना अनिवार्य है। जब तक हमें कुछ भी लग रहा है, तब तक सम्यक ज्ञान शुद्ध नहीं है। सम्यक ज्ञान की शुद्धि भी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें मात्र परमात्म सत्ता केवल ज्ञान और सिद्ध स्वरूप ही शेष रहता है, वहां सम्यक ज्ञान निर्मल हुआ कहलाता है। ऐसा ज्ञानी परम भाव को वर्ण करता है, छायिक भाव को उपलब्ध करता है, सर्वज्ञ स्वरूप स्व समय की अनुमोदना करता है, चिदानंद स्वभाव की आराधना में शुद्ध ध्यान में रत रहता है। ऐसी प्रेरणा गुरुदेव ने यहां दी है और आगामी क्रम में अवधि ज्ञान की शुद्धि का विधान 54 से 58 नंबर की कारिका तक कहा है। 54 नंबर की गाथा हमने कल पढ़ी थी, तो यहां गुरुदेव अवधि ज्ञान की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 54 से 58 नंबर की कारिका तक वांछन करेंगे। नाना प्रकार दिच्छे ज्ञान सावीन इष्टि परमिष्टि लिंगम च जिन वरिंदम लिंगम शुद्धम च कम विलयन्ति लीनम अनंत अनंतम लीनम स्वभाव ज्ञान सै
विकारम हेयं च गुण विशुद्धम हेयं तिक्तन्ति चरणि संसारे संकोति कीर्ण अपा टूटम कम मानिति विहिजो हेन स्थानम कुनति सहावं ज्ञान सहावेन मुक्ति चिदे शुद्धम ज्ञानम च परम ज्ञानम ज्ञान सहावेन समय शुद्धम च दंड कपाटिति अर्थम लोयालोयेन ज्ञान समयम च टंकार ध्यान शुद्धम धलियोकम मानिति विहिविलयन्ति फटिक स्वभावम शुद्धम फटिक स्वभावेन कम। साधु जिनवरेंद्र के समान वीत राग पद के धारी होते हैं, विभिन्न प्रकार से अपनी दृष्टि को ज्ञान स्वभाव में अपने परम इष्ट प्रयोजनीय स्वरूप में लगाते हैं और शुद्ध पद के धारण से वे कर्मों को विलय करते हैं, अनंतानंत ज्ञान स्वभाव का सहकार कर उसमें लीन होते हैं, जानते हैं कि एकमात्र विशुद्ध गुण का धारी ये स्वभाव है। इस एक स्वभाव में रहने से संसार में परिभ्रमण का अभाव होता है। आत्मा चंकोत्कीर्ण स्वभाव है। योगी जन त्रिविध योग की एकता से इन कर्मों को क्षय करते हैं, ठान लेते हैं, कुन्नस बना लेते हैं कि मुझे स्वभाव में ही रहना है। जैसे कहते हैं ना, कोई जिद कर लेता है, हठ कर लेता है, मुझे तो ऐसा करना तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक दृढ़ संकल्प स्वभाव में रहने का और अपने ज्ञान स्वभाव में रहकर निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मुक्ति में स्थित होते हैं। जानते हैं सबने ज्ञान ही परम ज्ञान है और ज्ञान स्वभाव के आश्रय से शुद्ध समय में रहते हुए दंड कपाट आदि की भावना भाते हैं। तीर्थमयी ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा में लीन होकर लोकालोक के ज्ञाता होते हैं। जानते हैं कि स्वभाव शुद्ध स्फटिक मणि के समान है और इस स्फटिक मणि की तरह शुद्ध स्वभाव में रहने से कर्म गलते हैं, शुद्ध ध्यान की टंकार लगाते हैं तो सारे ही कर्म ढल जाते हैं, विला जाते हैं। आत्मा के साथ संयोग में केवल कर्म ही हैं, फिर इनके भेद करो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अलग बात है। कुल मिलाकर एक अशुद्ध संयोग है जिसे पुद्गल कहते हैं, कर्म कहते हैं, और इसी के निमित्त से ये सारा संसार जन्म मरण प्रपंच चल रहा है। आचार्य बार बार कहते हैं कि अपने में रहने से ही ये क्षय होता है, ये सब संयोग मात्र है, इसका काम आना और जाना है। और स्वभाव है ऐसा कि ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है, वो जहां है वही है और जैसा है वैसा है और जितना है उतना है। उसमें रहने की बात है। ये सारी साधना ज्ञान ध्यान सामायिक चिंतन वांछन सब उसी के लिए है। जैसे भी बने, जिस मार्ग से बने, वैसे अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ जगाएं। अवधि ज्ञान की शुद्धि के लिए गुरुदेव कहते हैं कि संकल्प होता है कि दंड कपाट आदि के द्वारा मैं सिद्ध पद प्राप्त कर लूं, पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाऊं। स्फटिक के समान अपने शुद्ध स्वभाव को जानते हैं और अवधि ज्ञान पूर्वक मनापर्य ज्ञान की किस प्रकार से आराधना होती है, शुद्धता होती है, इसको यहां गुरुदेव 59 से 63 नंबर की कारिका तक कहते हैं। मन पर जय स्वभावम मन विलयम शुद्ध ध्यान सभावम ऋजु विपुलम च सहावम चिंतामणि शुद्ध धम्मम अनंत ममलम धम्मम धरयन्ति लोय अवलोयम ऋजु विपुलम च वन्नम कम मल्ति विभाव विलयन्ति वीनम संसार स्वभावम
वीनम अनमोय अन्यानि विलयन्ति ऐ कारणन्तनन्तम् ऐ उवन्न मुक्तिगमनम् च तत्कालिकम् विलयम् तत्कालम् राय विषयमये गल्यम् थानन्तनन्तनन्तम् थानम् शुद्धम् च गारवम् विलयम् दंशन अनंत दर्शम शुद्ध ध्यान के माध्यम से स्वभाव में जब मन पूरी तरह से रम जाता है तो ऋजुमति विपुलमति मना पर्याय स्वभाव प्रकट होते हैं और चिंतामणि रत्न के समान शुद्ध ममल स्वभाव दृष्टि में सामने रहता है। धर्म अनंत है, ममल है। धर्म को जो जीव धारण करते हैं वे लोकालोक के ज्ञाता होते हैं। ऋजुमति विपुलमति पूर्वक योगी स्वरूप में रहकर तीनों ही प्रकार के कर्ममलों को क्षय कर देते हैं। स्वरूप में रहने से संसार स्वभाव क्षीण हो जाता है, अज्ञान की अनुमोदना भी समाप्त हो जाती है, विलय ही हो जाती है और अनंतानंत स्वभाव में एकाग्र होते हैं। तो जिस स्वरूप में एकाग्र होते हैं वो स्वरूप उत्पन्न होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी समय कर्मों का विलय, राग विषय आदि परिणामों का गलन, अनंतानंत शुद्ध स्थान में निवास और सारे गौरव आदि का अभाव, ये स्वरूप में लीन होने का सुफल होता है। अनंत दर्शन की प्रगटता को ये ज्ञानी देखते हैं। इस दर्शन में लोकालोक दर्शता है। आचार्य कहते हैं, परम केवल ज्ञानमयी अपना निश्चय से ध्रुव स्वभाव है, ऐसे अविनाशी स्वभाव में निश्चय से ये योगी लीन होते हैं, ठहरते हैं और केवल ज्ञान को उपलब्ध करते हैं। इस केवल ज्ञान की स्थिति में 64 से 73वीं गाथा तक गुरुदेव ने इस केवल ज्ञान और अपने शुद्ध स्वरूप की विशेषता और महिमा को स्पष्ट किया है। 64-65 नंतानंत सुदिष्ठम नंत चतुष्टय सुदिष्टि विमलम च भद्र मनोयम शुद्धम भद्र जातीय मुक्तिगमनम च उवम ऊर्ध सहावम ऊर्धम ऊर्धम च परमिष्टितं शुद्धम ओंकारम च दिच्छम विज्ञानम दर्शये। केवल ज्ञान स्वभाव में पूर्ण ज्ञानी अपने अनंतानंत स्वभाव को देखते हैं। अनंत चतुष्टय में विमल स्वभाव की दृष्टि रहती है, भद्र है, मनोज्ञ है ये शुद्ध स्वभाव। ऐसे भद्र जाति में पूर्णत्व को उपलब्ध, कैवल्य को प्राप्त ये परमात्मा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओंकार स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, श्रेष्ठ है, अपने में शुद्ध परमेष्ठी स्वभाव है, ऐसे ओंकार स्वभाव की अनुभूति में रमण करते हैं और विज्ञान में विंद पद का दर्शन करते हैं। इस प्रकार केवल ज्ञान को प्राप्त ये परमात्मा पंचम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जैसे केवल ज्ञानी भगवान हैं उनके समान ही अपने स्वरूप की आराधना ज्ञानी साधक करता है। 66-67 गाथा में अपने स्वरूप का लक्ष्य, 68-69 गाथा में उसका परिणाम। 66-69 ममात्मा सुखी स्वभावम ममलम दृष्टि च अनमोय सैकारम आदि अनादि शुद्धम अनमोयम क्षिपतिकम मिथिवीहम च अयम च अप्सरूपम अयम च विषमकम गलेयम च।
मदममल मिले हम च उत्पाद्य नंत नंतम उवन्नम ज्ञान शुद्ध सैकारम ऊर्धम ऊर्ध संशुद्धम ऊर्धम सतहावकम गलेयम च उवम नमापि शुद्धम उवलक्ष्यम लक्ष्यनंत सत्सरूपम अवकाश दान वृद्धिम अवकाश विमल। मेरा आत्मा सुखी स्वभाव वाला है, ममल स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ऐसे सुखी स्वभाव की अनुमोदना करके उसका सहकार करो। ये आदि स्वानुभवन और अनादि स्वभाव दोनों से ही शुद्ध है, इसकी अनुमोदना से तीनों प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं। अहो, यही अपना आत्म स्वरूप है, यही विषम कर्मों को गलाने वाला है, यही शुद्ध स्वरूप है। अपने इसी शुद्ध ममल स्वभाव से मिलो तो अनंत अनंत पद उत्पन्न होगा। शुद्ध ज्ञान के सहकार से ऊर्ध्वगामी परमात्म स्वरूप प्रकट होता है और स्वभाव में रमण करने से कर्मों का वलन हो जाता है। ओंकार स्वभाव की शुद्ध स्वानुभूति को लखो, अनुभूति करो ये अनंत स्वरूप में स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ बढ़ाओ, इसमें रहने की अवधि बढ़ती है। अपने स्वभाव में बार बार रमण करने से इसकी वृद्धि करो और विमल केवल ज्ञान स्वभाव में ठहरो। अपने सत्स्वरूप की अनुमोदना की प्रेरणा देते हुए इस ज्ञान की महानता और महिमा को गुरुदेव 70 से 73वीं गाथा तक कहते हैं। अनमोयनंत नंतम अनंत चतुष्टम च विमल सत्स्वरूपम आलम्बम अवलम्बम अनंतानंत सुदिष्टि विमलम च वारापार अनंतम अनंत संसार सरणि विलयम च वरम विमल सहावम। अनमोय अनंत अनंतम, अपने सत्स्वरूप की अनंतानंत स्वभाव की अनुमोदना करो। ये विमल स्वरूप अनंत चतुष्टयमय है, इसी का आलंबन, इसी का अवलंबन और अपने विमल अनंत स्वभाव की दृष्टि रखो। इससे वारापार अनंतम अनंत संसार सरणि विलयम च, जिस संसार का कोई वारापार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा अनंत संसार विलय हो जाता है। इसलिए अपने विमल स्वभाव का वर्णन करो। चिंतामणि शुद्ध सर्वज्ञ स्वभाव की अनुमोदना करो। इस स्वभाव की अनुमोदना करने का परिणाम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और इन 5 ज्ञान की शुद्धि का मार्ग 72-73। रिंकारम उवन्नम उवन्नम नंत दंसनम ज्ञानम वीर्यम चरनंत सौख्यम सर्वन्यम विमल ज्ञान समयम च ज्ञानम पंचवन्नम परम दिनम परम विमल स्वभावम परमं परमानंदम अनमोयम ममल ज्ञान सिद्धितम पतम। इस चिंतामणि शुद्ध सर्वज्ञ स्वभाव की अनुमोदना से हरिंकार केवल ज्ञानमय स्वभाव उत्पन्न होता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय में अपना पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञ स्वरूप स्वतमय दैदीप्यमान हो जाता है। इस साधना से 5 ज्ञान उत्पन्न होते हैं। अपने परम जिन, परम विमल स्वभाव, श्रेष्ठ परमानंदमयी ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। यह जो शुद्ध स्वभाव है, 74वीं गाथा में एक ही बात कही है, ये शुद्ध स्वभाव जिसके आश्रय से ये सारे ज्ञान शुद्ध होते हैं, निर्मलता की प्रगटताएं होती हैं, ये स्वभाव ही
देव और परम देव है, गुरु और परम गुरु है, ऐसी विशेष बात 74वीं गाथा में कहते हैं। देवम च परम देवम गुरुम च परम गुरुम च संदिष्टम धम्मम च परम धम्मम दिनम च परम दिनम निर्मलम विमलम। ये निर्मल विमल स्वभाव ही देव और परम देव है, गुरु और परम गुरु है, धर्म और परम धर्म, जिन और परम जिन है। इस एक निर्मल विमल स्वभाव को ही सब कुछ जानो, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ऐसे स्वभाव की रुचि से निर्मल सिद्धांत, छायिक भाव, छायिक सम्यक आदि की प्रगटता होती है। अज्ञान भाव विलाता है, पर्याय दृष्टि से मुक्ति का मार्ग बनता है। 74वीं गाथा तक जिस विमल निर्मल शुद्ध स्वभाव की महिमा का कथन किया है कि इसी स्वभाव की महिमा से ये पंच ज्ञान निर्मलता से शुद्धता से प्रकट होते हैं। इस स्वभाव की रुचि को सम्यक कहा है गुरुदेव ने गाथा 75 और 76 में। तत्सै विज्ञान ज्ञानम ज्ञान सावि निरूप भेय संरुचियम रुचितम पियुम विमलम सम्मतम तस्य शुद्ध विमलम च सम्मत शुद्ध शुद्धम शुद्धम दर्शे विमल रूपेण कमम तिवि विमुक्तम रागम दोषम च गारवम पिपिनम। ज्ञान स्वभाव के आश्रय पूर्वक ऐसे शुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वरूप का वर्णन करना, उसकी रुचि होना, ओंकार स्वभाव के प्रति समर्पित होना, अपने विमल शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करना, इसी को शुद्ध सम्यक कहा है। यह निश्चय शुद्ध सम्यक विमल स्वरूप का निश्चय से दर्शन कराता है। इसके प्रकट होने पर तीनों ही प्रकार के कर्म छूटते हैं, राग द्वेष गारव क्षय हो जाते हैं। और क्या क्या क्षय होता है, किस प्रकार से इस उपलब्धि का आनंद बढ़ता है, क्षय होने वाले सारे कारणों को 77 से 79 तक कहते हैं। किपियो मिथ्यात स्वभावम पुण्यम पावम च विषय संकिपनम पुण्यानिति विकिपनम किपियम संसार सरनिमोहन्दम किपियो कम उवन्नम किपियो मन चवल उवन संकिपनम मन सन्या किपि मिलियम किपियम नंत नंत सरनि संबंधम कसाय स्वभावम संयुक्तम जे दुर्बुद्धि विशेषम कसायम किपि अनंत परिणामम। इस ओंकार स्वरूप ज्ञान विज्ञान स्वभाव की रुचि रूप सम्यक से क्या क्या क्षय होता है, मिथ्यात्व का स्वभाव, पुण्य पाप, विषय भाव, तीन प्रकार के कुज्ञान और संसार का कारणभूत मोहांत, कर्मों का उत्पन्न होना, मन की चंचलता की उत्पत्ति होना, मन संज्ञा का खिप जाना और अनंतानंत संसार की प्रवाह रूप धारा का संबंध समाप्त होना, कसाय स्वभाव, दुर्बुद्धि से संयुक्त होने पर उत्पन्न होने वाली कषाय और जितने भी दुर्बुद्धि विशेष से अनंत कषाय परिणाम होते हैं, ये सब सम्यक्त होने पर खिप जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। ऐसी सम्यक्त की महिमा है। अंतर से कषायों का अभिप्राय पकड़ छूट जाती है। सम्यक्त भाव बहुत महिमामय है। एक बार ये आत्मश्रद्धान अंतर में जागता है कि संसार समाप्त होने की तैयारी हो जाती है। इस जीव के अज्ञान के कारण, स्वभाव के बोध न होने के कारण कितने कितने दुखों को इसने इस जगत में देखा है, भोगा है। इन सारे दुखों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, देह से भिन्नत्व भासित होना,
शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा को स्वीकार करना, मैं ज्ञानमयी हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, यही मेरा अस्तित्व है, शरीर से और संसार से संयोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? अपने स्वभाव पर दृष्टि हो जाना, सम्यक वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हो जाना। और एक बार ये श्रद्धान होता है कि अनंत संसार के सफाया होने का मार्ग बन जाता है। छोटी सी भूल मिथ्यात्व के अनंत संसार चलाती है, और आत्म स्वभाव की एक समय की दृष्टि अनंत संसार को समाप्त करती है। ऐसी अद्भुत महिमा है सम्यक्त की। और जो जीव इस सम्यक्त भाव को नहीं पहचानते, उनके लिए प्रेरणा देते हुए सद्गुरु कहते हैं, और स्वयं के लिए कहते हैं कि अगर स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तो क्या होता है। एक गाथा 80 नंबर। असत्य अनृत वैनम आलापम लोक रंजनम भावम विज्ञानम नुपिच्छदे संसार भ्रम निवीय संयुतम। लोक रंजन के भाव से असत कथन करना, झूठ वचन बोलना, बचना लाभ करना, विज्ञान स्वभाव को न पहचानना, ये संसार में परिभ्रमण करने के बीज को बोते रहने का काम करना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सारी पर दृष्टि से, लोक भाव की दृष्टि से, जगत के जीवों की पर दृष्टि से हटकर अपने स्वभाव की साधना आराधना करना है। इसके लिए कुछ विशेष मार्गदर्शन है। 81-83 नंबर की गाथा। विमल सहाव उवन्नम समल परिणाम पर जाव न हो दिच्छम पर जाव विवेयम ज्ञान सहावेन पर जाव विलयन्ति अन्यान दिप्ति न उपिच्छदि अन्यान भाव सयल। अन्यान संग विलयम ज्ञान साविन विज्ञान संयुतम ज्ञानम ज्ञान वन्नम ज्ञान समयम च पर जाव। गुरुदेव प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अपने विमल स्वभाव को प्रकट करो, समल पर्याय रूप परिणामों को मत देखो। पर्याय के तो विविध भेद हैं, नाना प्रकार की पर्याय हैं जो अंतर में चलती हैं, विभिन्न प्रकार के परिणाम हैं जो मन में होते रहते हैं। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये पर्याय दिला जाती हैं। तुम अज्ञान दृष्टि से कुछ भी मत देखो, अज्ञान भाव सब भिला जाने वाले हैं। ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो, विमल स्वभाव की अनुमोदना में रत रहते हुए पर्याय से दृष्टि हटाओ। ज्ञान स्वभाव के विज्ञान से संयुक्त होने पर अज्ञान का संग विलय होता है। ज्ञान की आराधना से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए पर्याय की ओर से दृष्टि हटाकर ज्ञानमयी स्व समय की आराधना में संलग्न रहो। जो जीव इस स्वभाव को देखते हैं वे अशुद्ध पर्याय से दृष्टि हटा लेते हैं, और अगर पर्याय पर दृष्टि जाती है तो उसका बहुत ही दुर्गतिदायी परिणाम होता है। ऐसी कुछ विशेष प्रेरणा 84-87। जस शुद्ध सावम अशुद्ध सावीन दृष्टि नो वैनम शुद्धम च विमल ज्ञानम शुद्ध समयम च पर जाव। जस विमल सावम अनमोयम ज्ञान पर जाव न पिच्छम जय पज्जावम दिच्छम समलम सहकार निगोय वासमी ज्ञान सावम शुद्धम शुद्धम तसाव विमल दीक्षियो ज्ञान साव सुसमयम।
ज्ञानीन ज्ञान मिलियम विमल सावीन ज्ञान उपत्ति सहपज्जावम दिटम पर जय सशंक निगोए। जिस जीव को शुद्ध स्वभाव की दृष्टि होती है वह अशुद्ध स्वभाव की दृष्टि से न देखता है और न ही उस प्रकार के वचन बोलता है। शुद्ध ज्ञानमयी अपने विमल स्वभाव की शुद्ध स्व समय की अनुमोदना करता है, पर्याय को नहीं देखता। जो जीव विमल स्वभाव के सहारे होते हैं विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते हुए पर्याय से परे होते हैं। यदि पर्याय को देखता है वो जीव तो समल का सहकार करके निगोद में वास करता है। ज्ञान स्वभाव शुद्ध है ऐसे विमल शुद्ध स्वभाव पर ज्ञानी दृष्टि रखता है। ज्ञान में इस समय शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना करो। अगर पर्याय पर दृष्टि करके स्वभाव से भेद करोगे माने पर्याय में दृष्टि लगाओगे स्वभाव से हटोगे ऐसे परिणाम को यहां सत्संग कहा है। यहां सत्संग का मतलब शंका नहीं लेना, संदेह वाला सत्संग नहीं है यहां। कि स्वभाव से दृष्टि हटना और पर्याय की तरफ देखना इस भेद की भावना को सत्संग नाम से यहां इंगित किया है कि पर्याय पर दृष्टि होगी स्वभाव से हटोगे तो नरक में वास करना पड़ेगा। ज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव से मिलो। विमल ज्ञान स्वभाव के सारे ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और अगर पर्याय को देखते हो पर्याय पर दृष्टि लगाते हो तो निगोद में बात करना पड़े। इतना सूक्ष्म है मार्ग और इस पर्याय दृष्टि की बड़ी खतरनाक परिस्थितियां हैं। 88-89 गाथा में गुरुदेव दोनों ही बातों को कहते हैं। 88वीं गाथा में पर्याय दृष्टि का परिणाम और 89 गाथा में पर्याय दृष्टि से परे स्वभाव दृष्टि का परिणाम दोनों ही गाथाओं को स्पष्ट करते हैं। दो विषयों को दो गाथाओं में दो बातों को पढ़ेंगे। 88-89 जय पज्जावम दिच्छम अपासमयम च मुक्ति ज्ञानम च पज्जावम परुपिच्छति संसारे सरणि दुख वेयम् पज्जावम नहु दिच्छति परसाव पत्ति पज्जाव विलयन्ति ज्ञानेन ज्ञान समयम्। पर्याय दृष्टि का परिणाम 88 गाथा में कि जैसे ही जीव पर्याय को देखता है अप्पा समयम च मुक्त ज्ञानम च अपने स्व समय के आत्मज्ञान से च्युत हो जाता है। जैसे ही पर्याय दृष्टि हुई कि स्वभाव से च्युत हो जाता है फिर पर्याय को और पर को ही पहचानता है, उसका ही अनुभव करता है, उसमें ही रमता है, उसमें ही भटकता है और संसारी सरिन दुख भी हमें संसार में परिभ्रमण के दुखों का बीज बोता है। और अगर पर्याय को नहीं देखता है तो पर स्वभाव की पर्याय की उत्पत्ति होना ही विला जाती है और ज्ञान से ज्ञान में स्व समय में लीन होता है तो विमल स्वभाव में लीन रहने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। दो ही बातें हैं, दृष्टि के दो ठिकाने हैं, एक पर्याय एक स्वभाव, एक परिणमन एक स्वभाव। परिणमन पर पर्याय पर दृष्टि है तो संसार है, स्वभाव पर दृष्टि है तो मोक्ष मार्ग है। बस इतनी ही साधना है। अब अपनी दृष्टि कहां रहती है क्योंकि अपन भी साधक हैं, सब शिखर जी आए हैं, गुरुवाणी का वाचन सुन रहे हैं, वर्षावास कर रहे हैं या वर्षावास नहीं करने वाले भी बहुत सारे भव्य जीव यहां आए हैं, तो आप सब भी साधक हैं। सिद्धों की भूमि पर साधक ही तो आएगा, जिसे स्वयं सिद्ध होना हो वो ही तो आएगा यहां। तो अपन सब साधक हैं। देखें अपने आप को कि अपनी दृष्टि कहां है। अगर पर्याय पर दृष्टि है तो संसार बहुत है,
और स्वभाव पर दृष्टि है तो संसार का अंत आ गया है। और इतना ही काम बना लें इस भूमि पर बैठकर तो यहां आना अपना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन भव्यात्माओं ने इस स्थान से सिद्धि को प्राप्त किया उनने पर्याय दृष्टि को छोड़कर स्वभाव दृष्टि बनाई थी और स्वभाव दृष्टि के बल पर ही उन्होंने सिद्धि और मुक्ति को पाया है। अपन सब भी स्वभाव के आराधक हैं, उन्हीं सिद्धों की जाति के हैं, उन्हीं केवल ज्ञानियों के वंश के हैं। तो अपने को भी स्वभाव की दृष्टि बनाना है, पर्याय के परिणमन से और पर्याय से ऊपर उठना है, यही साधना का मूल आधार है। और गुरुदेव एक और रहस्य की बात यहां प्रकट करते हैं कि अगर स्वभाव दृष्टि नहीं होती तो साधक के अंतर में फिर पर्याय दृष्टि के कारण भटकाव की गलियां खुलती हैं, भटकाव के रास्ते खुलते हैं। पहला ठिकाना बनता है जनरंजन राग, दूसरा ठिकाना बनता है कलरंजन दोष, और तीसरा ठिकाना बनता है मनरंजन गारा। ये तीनों दोषों का वर्णन गुरु महाराज ने आगे की गाथाओं में किया है। तो अभी ये 90 नंबर की गाथा पढ़ेंगे जिसमें वो कारण बता रहे हैं कि पर्याय दृष्टि से क्या होता है। रागादि उवन्नम राग सावेन चौगये भमियम रागम च विषय जुत्तम। पर्याय दृष्टि से रागादि उत्पन्न होते हैं, राग आदि माने जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, और फिर राग स्वभाव से जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, राग और विषय आदि से युक्त होकर संसार में भटकता है, और जब विमल स्वभाव का सहकार करता है तो ये राग बिला जाता है। ये राग क्या है? 91 नंबर की कारिका से जनरंजन राग की उत्पत्ति और जनरंजन राग का स्वरूप कहते हैं कि क्या है जनरंजन राग। इसे यहां गुरुदेव ने 91 नंबर की गाथा से 122 नंबर की गाथा तक जनरंजन राग का कथन किया है। क्या होता है जनरंजन राग? पहले तो राग की ही व्यवस्था बताई है, राग का स्वरूप समझाया है, ये राग किस किस रूप में काम करता है। अपन कह देते हैं भैया राग है, कहने में कितनी सी देर लगती, भैया राग है, पर वो राग कितना गहरे में हो सकता है, वो राग कितना डुबाने वाला हो सकता है, वो राग किस रूप में हो सकता है, इसे यहां गुरुदेव अंतर में बैठकर उसका दर्शन कराना चाहते हैं, उसे अनुभव कराना चाहते हैं कि अपन देख लें अपने भीतर इस राग को। कहना बहुत सामान्य है, तोड़ना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहना जितना सरल है तोड़ना कहीं उससे बहुत ज्यादा कठिन, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। राग को तोड़ना कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। जीव भगवान बन सकता है, ऐसी विशाल महान विराट योग्यता इस आत्मा में छिपी है। राग कहां लगता है? संसार के परिणाम कहां लगते हैं उसकी सत्ता के आगे? लेकिन उसके प्रति समर्पण का परिणाम हो तो ये परिणाम छटते हैं, घटते हैं, टूटते हैं। तो किस तरह से जनरंजन राग और राग के परिणाम काम करते हैं, यहां गुरुदेव 91 नंबर की गाथा से प्रारंभ कर रहे हैं। 91 से 55 तक जनरंजन राग उपत्ति जन उत्तम जन रंजनानी सदिच्छि पर स्वभाव पर समयम तिक्तन्ति राग ज्ञानस्य राग सावम उत्तम जन रंजन पुण्य भाव संयुत्तम अनृत असत्य सहयो राग संयुत नरैवासमी राग सावम पिच्छति अन्यान सहकार श्रुतम बहुभियम मिच्छात विषय सह्यम रागम विलयन्ति ज्ञान राग सावम उत्तम अन्यानम तव तवंति संयुक्तम
जन रंजन मूल सावम जन उत्तम राग नरेवासम में रागम च राग जुत्तम मिथ्यातव तवेदन चरणम पुण्यानम संयुत्तम राग सावेन। जन रंजन राग की उत्पत्ति होती है पर्याय दृष्टि के कारण, और फिर ये जीव साधक जन उत्तम जन रंजनानि सद्दिच्छि जैसा लोग कहते हैं उनको रंजायमान करने की दृष्टि में लग जाता है। ऐसा जीव पर स्वभाव पर समय रूप होता है, किंतु ममल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से राग छूटता भी है। राग के स्वभाव को कहते हैं कि लोगों को रंजायमान करने के लिए पुण्य भाव से संयुक्त होता है। ऐसा कर लो, ऐसी प्रभावना करो, ऐसा करवा दो, ऐसा करवा दो, शुभ कार्य करने की पुण्य भाव से संयुक्त होता है। लेकिन ये सब अनृत असत्य सहित होना है, और राग से संयुक्त होना माने नरक में वास करने की तैयारी करना है। बहुत खतरनाक है राग। इस राग स्वभाव को जो जीव पहचानते हैं वे अज्ञान का सहकार करते हैं। फिर बहुत सारे शास्त्रों को जाने, दुनिया भर के ग्रंथों को पढ़ें, खूब सारा क्षयोपशम ज्ञान प्राप्त करें, साधना करें, पर मिथ्यात्व और विषय सहित होने से ये सब दुखदायी होता है। राग बिलाता है तब जब ज्ञान का सहकार होता है। राग स्वभाव के साथ अज्ञान पूर्वक तप करने से भी संयुक्त हो तो भी जन रंजन मूल स्वभाव ही है, क्योंकि लोग जैसा कहते हैं उसके राग में लगा रहता है, इसलिए नरक में वास करता है। इस राग में मिथ्या तप तपते हुए राग से युक्त होकर जीव संचरण करता है, कुज्ञान से संयुक्त होकर तप करता है, और राग स्वभाव से दुर्गति में चला जाता है। राग पतन का कारण गिराने वाला है, और किस रूप में किस तरह काम करता है, 96 से 100। रागम च राग तयम जन रंजन विकार भाव संयुत्तम जिन द्रोही जिन उत्तम राग सावेन। विज्ञान ज्ञान रहियम राग सावेन पज्जाव पर दिष्टम ज्ञान सावम विरियम। रागम शुद्धि दिच्छि संशय सहकार अंतरम ज्ञानम संकसावन विरयम ज्ञानम आवरण चौगये वमनम। रागम च लोक मूलम जन रंजन पर जाव दिच्छि संदर्शम ज्ञान सावन पिच्छम विभ्रम संयुत दुगये संयम। रागम च भाव जुत्तम पर जाव पुरुषस्य स्त्री संदिष्टम ज्ञान विज्ञान विमुक्तम ज्ञान आवरण सुतय मूलम च। राग को कहते हैं कि राग सहित होकर जीव जन रंजन करने के लिए विकथाओं के भाव करता है, विकथाएं करता है, व्यर्थ चर्चाएं करता है। ऐसा जीव फिर वो साधक हो या साधु हो, जिनेन्द्र कहते हैं कि वो जिन द्रोही है, माने भगवान खुद कह रहे हैं कि वो मेरा विद्रोह कर रहा है, मेरे मार्ग से विपरीत चल रहा है, मेरा मार्ग वितरागता का है और उल्टे मार्ग में कोई जाता है तो उसे भगवान कहते हैं कि वो मेरे मार्ग से विपरीत जा रहा है, अब मैं क्या करूं। राग स्वभाव से वो दुर्गति का पात्र बनेगा। मैं तो बुला रहा हूं इदम इदम यत्र चैतन्य धातु, भगवान कहते हैं कि मैं तो बुला रहा हूं कि इधर आओ इधर आओ, ये चैतन्य में तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन अब राग के परिणाम से कोई दुर्गति का पात्र बने तो जिनेन्द्र भी कुछ नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि वो जिनद्रोही है, राग स्वभाव से दुर्गति का पात्र बनता है। राग सावीन पज्जाव पर दिच्छम, राग स्वभाव से जो जीव पर्याय और पर को देखते हैं वे ज्ञान विज्ञान से रहित हैं, भेद विज्ञान से रहित हैं, ज्ञान स्वभाव से दूर हैं, और जन रंजन राग के कारण
नरक में वास करने की स्थिति बनती है। राग की दृष्टि अशुद्ध दृष्टि है। राग को स्वीकार करने से जीव ज्ञान स्वभाव में अंतर डालता है, भेद रूप परिणाम का सहकार करता है और उस संक स्वभाव से अर्थात स्वभाव के भेद विकल्प से विरत नहीं हो पाता और ज्ञान पर आवरण करके चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। राग में लगना लोक मूल होना है, जन रंजन रूप पर्याय दृष्टि से देखना फिर ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं देता, बल्कि जन रंजन राग की शंका विभ्रम ऊहा पोह चर्चा वार्ता वचना लाभ चर्या आचरण जो भी राग रूप होता है ये सब दुग्गे सहयम दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। रागम च भावयुक्तम, राग के भाव से जो जीव युक्त होते हैं वे फिर स्त्री और पुरुषों की पर पर्यायों को देखते हैं कि कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ये सारे भेद जन रंजन राग की पर्याय में दिखाई देते हैं। ज्ञान विज्ञान विमुक्तम, ऐसा जीव ज्ञान विज्ञान से रहित होता है। ज्ञान आवरण सुसही मूलम च, ज्ञान पर आवरण सहित होकर वह मूल जीव ही है। और किस प्रकार से इस राग के परिणाम होते हैं यहां गुरुदेव आगे इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए गाथा 101 से 107 तक। रागम च राग युक्तम स्त्री पर जाव पुरुष मल सहियम अन्यान न्यान मूढ़ा संशय सही नरैवासमी जन रंजन साधिति जन उत्तम राग सही अन्यानी लाज भय गारव सहियम राग संयुक्त भ्रमन वीयमी रागम च सही शल्यम दुबहिवन्यमिच्छ परिणामम जन रंजन जन उत्तम जिन द्रोही निगोय वासमी रागम च भाव उत्तम ज्ञानम आवरण रंजनम लोयम प्रपंच विभ्रम संयम विमल सावीन राग मोक्तम च रागम संसार सावम जन उत्तम लोक मूल सुपैसम जन रंजन लोक सावम ज्ञान सावीन राग विलयंती रागम उवन्न भावम रागम संसार सरनि सभावम पर जाव दिट्ठि दिट्ठम विमल सावीन राग संकिपनम जन उत्तम उत्तदिट्ठम जामन मुंचनम च सरनि संसारे मूल लोय सहावम ज्ञान विज्ञान राग विलयंती। जन रंजन राग से युक्त होकर जीव स्त्री और पुरुष के मल सहित पर्याय की ओर देखता है और ऐसा जीव अन्यान ज्ञान मूढ़ा माने जानते हुए भी अज्ञानी मूढ़ है। क्या प्यारा शब्द है अन्यान ज्ञान मूढ़ा माने जानते समझते हुए भी अज्ञानी मूढ़ है और स्वभाव के प्रति भेद करके पर पर्याय सहित होकर नरक में वास करता है। जनरंजन की दृष्टि से देखने वाला जीव लोगों के कहे में लगकर राग सहित अज्ञानी है, लाज भय गौरव सहित रहता है और राग से संयुक्त होकर संसार के भ्रमण का ही बीज बोता रहता है। राग सहित होकर जीव शल्यों को उत्पन्न करता है, इससे दुर्बुद्धि मिथ्यात्व परिणाम पैदा होते हैं, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं वैसा करना है वैसे चलना है तो ये जन रंजन राग में लग जाता है, ये जिन द्रोही जीव निगोद में वास करता है। राग के भाव को कहते हैं कि जीव ज्ञान पर आवरण डालकर लोक को रंजायमान करने के लिए प्रपंच विभ्रम सहित होकर इस राग को ही बढ़ाता रहता है, किंतु राग तब छूटता है जब विमल स्वभाव का आश्रय हो। ये राग संसार स्वभाव रूप है। लोगों के कहे अनुसार लोक मूर्ता में लगकर वैसी चर्चाएं करना वैसा ही आचरण करना
यही जन रंजन लोक स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये राग विलय को प्राप्त होता है। राग भाव उत्पन्न होते ही इस राग के कारण जीव संसार के परिभ्रमण रूप स्वभाव में लगता है, पर्याय दृष्टि से देखता है। विमल स्वभाव के आश्रय से राग क्षय होता है। जैसा लोग कहते हैं वैसा ही कहना, वैसा ही देखना, ये जन्म मरण और संसार में परिभ्रमण कराने के कारणभूत परिणाम है। मूल लोक स्वभाव के रूप परिणाम है। ज्ञान विज्ञान सहित ये राग विलय को प्राप्त होते हैं। जन रंजन राग की इस भूमिका को यहां 107 नंबर की कारिका तक गुरुदेव ने स्पष्ट किया और 108 नंबर की गाथा से अब जन रंजन राग के भेदों का कथन करेंगे 116 नंबर की गाथा तक। जन रंजन राग किस किस रूप में चलता है और किस प्रकार ये संसार का कारण बनता है, इसके लिए पाक्षिक राग आदि के भेद कहेंगे। ये वांछन अपना कल होगा। राग से और पर्याय से अपनी दृष्टि हटे, ऐसा यहाँ आचार्य के कहने का भाव है। स्वभाव की दृष्टि बनाएं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, इसी में अपनाएं।